हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद रखता हूँ घर में सब लोग सुरक्षित हो। जी, आपके साथ मैं क्रिकेट मैच का जानकारी देने वाला हूँ, जो नेपाल वनडे कप का मैच है। ये मैच का मैं जरूर जानकारी दूंगा। जानकारी देने से पहले आप लोगों से मेरी तरफ से गुजारिश है कि बेगैर के चैनल, जिसका नाम है नेक्स्ट टारगेट ऑन फैंटेसी, इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ बेल बटन प्रेस कीजिए, जिसमें आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है उसमें पता चल जाएगा कौन सा मैच मैं आप लोगों के साथ कवर करने वाला हूँ। फाइनली इंपॉर्टेंट टिप्स और बहुत सारे न्यूज़ जो मैं देता रहे तो वो मिलने के लिए भी मेरा टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट टारगेट ऑन फैंटेसी गेम्स के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो बहुत कुछ जानकारी से अधूरा रह जाएंगे। ये आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कि टेलीग्राम में नेक्स्ट टारगेट ऑन फैंटेसी गेम सर्च करके ज्वाइन हो जाए, या चाहे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाइपर लिंक मिलेगा, उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। ये गेम मोड है ODDI। ये मैच खेला जाएगा नेपाल पुलिस क्लब वर्सेस सुदूर पश्चिम प्रोविडेंस के खिलाफ, और ये मैच नंबर 9 है। ODI ओवर रहेगा ये 50 ओवर का, और ये मैदान रहेगा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड कृतिपुर में खेला जाएगा। डेट है 20 जनवरी 2020 बुधवार को सुबह 8:44 पर एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से मैच खेला जाएगा। ये लीग का नाम है नेपाल वनडे, और वेदर सनी डे रहेगा, पर जिस टाइम से मैच शुरुआत होने वाला है उस टाइम से 8 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से जाएगा। और दोनों टीम की बात किया जाए, दोनों टीमें एक एक करके मैच खेला है, एक एक करके मैच उन लोगों ने हारा है, कोई मैच नहीं जीता है। अगर पिच रिपोर्ट का अगर बात किया जाए, इसमें 200+ रन होने का चांसेस रहता है, और एवरेज स्कोर है इसमें लास्ट 5 प्राइम मिनिस्टर कप खेला गया था 2021 में इसी मैदान पर 239 एवरेज स्कोर था। उसी लीग में जो चेस किया था वो 4 बार हारा था और 1 बार जीता था, मतलब जो फास्ट बैटिंग करेगा उसका जीतने का चांसेस है। तो कुछ कुछ प्लेयर का मैं स्टैट पाया वही मैं उठा के रखो, और कुछ प्लेयर के स्टैट भी नहीं मिला। जैसे नेपाल के तरफ से दिलीप नाथ 9 मैच में 97 रन बनाया, अमित के तरफ का कुछ स्टैट नहीं मिला, आरिफ के तरफ से 10 मैच में 130 रन, दीपेंद्र जो है 10 मैच में 159 रन बनाए 2 विकेट, अनिल शाह 128 मैच में 153 रन बनाए, 153 विकेट लिए 1252 रन बनाए, पवन के तरफ से 2 मैच में 12 रन, ललित 4 मैच में 1 रन, सागर ने कुछ स्टैट नहीं मिला, कुशल ने 3 मैच में 39 रन बनाया, राशिद ने 1 ही मैच में 29 रन बनाया था जो अंडर 19 का मैच था, वो सुनील ने 4 मैच में 48 रन बना पाए। बेंच में रहेगा मंजीत प्रेम जोगेंद्र, सुदूर के तरफ से खेलने वाला है संतोष गजेंद्र संजू किरण विनोद हेमंत नारायण नरेंद्र अर्जन शेर भोजराज भट्टा, और बेंच में रहेगा खादक सूरज अरुण सूरज विक्रम विकास। तो कुछ प्लेयर का अब मैं स्टैट पाया उसी हिसाब से मैं डेटा निकल के रखा हूँ। एन जोशी जो है ये नेपाल वनडे कप में 3 विकेट लिया एंड 44 रन बनाए 1 मैच में। दीपेंद्र सिंह 21 रन बना पाए 1 मैच में। वाइस कैप्टन संतोष भट्टा 2 विकेट लिए, पवन सरफ के तरफ से ये ऑलराउंडर है, अच्छा कर सकता है। और ड्रीम 11 टीम अब लोगों के लिए मैं रखा हूँ, जैसे एस धमाई एस धमाला के थुराना ऑलराउंडर, पी सरफ डी सिंह एस भट्टा एन जोशी, बॉलर है एल राजवंशी बी भट्टा एस मल्ला। नीचे जो लोगों देख पा रहे मेरे टेलीग्राम चैनल का लोग है, जो टेलीग्राम में नेक्स्ट टारगेट ऑन फैंटेसी गेम सर्च करके ज्वाइन हो सकते हो। ये देखिए आप लोग के लिए डेमो ड्रीम 11 टीम बना के रखा हूँ, एस धमाल एस धमाला एस अवत के थुनांगना डी सिंह एस भट्टा एन जोशी रशीद राजवंशी बी भट्टा, जिसके अंदर एन जोशी को कैप्टन डी सिंह को मैं वाइस कैप्टन रखा हूँ। डेमो टीम में बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है, अगर आप मेरा टेलीग्राम के साथ जुड़े हो रहेंगे तो इस विषय में लाभ उठा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।